वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी खुशी को कम कर देते हैं या जिनकी वजह से हमारे मन में दुख पैदा होता है। पर हैप्पीनेस किलर नंबर वन जो चीज है वो है एंग्जाइटी, चिंता, वरी। ये चिंता हमें क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं है जो इससे बची हुई हो। बड़ा से बड़ा आदमी और छोटा से छोटा आदमी, अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, इवन कि बच्चे, बूढ़े और जवान, कोई ऐसा नहीं है जो एंग्जाइटी से या चिंता से बच के रहा हो। एक कहानी याद आती है और आप भी इसे सुनना पसंद करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली बनाने वाले या दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति जो कभी भी हुए हैं वो है जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने $310 बिलियन की नेटवर्थ पैदा की थी। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि आज के जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस हैं वो लगभग $150 बिलियन की संपत्ति बना चुके हैं, लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने $310 बिलियन की संपत्ति बनाई थी जो आज तक रिकॉर्ड है। पर इस संपत्ति बनाने के चक्कर में जॉन डी रॉकफेलर का क्या हाल हुआ? ऐसा कहते हैं कि जब वो करीब 50-52 साल के हो गए थे, उस समय की सिचुएशन उनकी ऐसी हो गई थी कि वो चिंता और एंग्जाइटी से इतना ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी। उनके बाल लगभग गिर गए थे, इवन कि भौहों के बाल भी उनके लगभग साफ हो गए थे, और डॉक्टरों ने उन्हें ह्यूमन मिल्क पर रखा था, यानी कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी और वो कुछ भी खाते थे लूज मोशन के शिकार हो जाते थे। और ऐसा होता था कि डॉक्टर ने कहा कि उनसे कि अगर ये परिस्थितियाँ बनी रहीं आपकी तो आप बहुत दिनों तक इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। जॉन डी रॉकफेलर को होता ऐसा क्यों था? इतनी बड़ी मोनोपोली, इतनी बड़ी संपत्ति बनाने के बाद उन्हें लगातार ये चिंता रहती थी कि ये जो भी साम्राज्य हमने बनाया है वो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो जब भी सोने जाते थे तो उन्हें इस बात की चिंता रहती थी और लंबे समय तक इस एंग्जाइटी की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी। एक दिन जॉन रात को जगे हुए थे और अपनी खिड़की से नीचे देख रहे थे। नीचे एक स्ट्रीट थी, एक पेवमेंट बना हुआ था। जॉन डी ने देखा कि अभी अभी मजदूरों ने कुछ खाना पीना अपना ख़त्म किया है और उसके बाद वो लगातार थोड़ी देर तक डांस करते रहे और डांस करने के बाद वो सो गए। वो तो सो गए लेकिन जॉन की नींद गायब थी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी संपत्ति, इतनी अकूत संपत्ति का मालिक होते हुए भी मुझे नींद नहीं आती, और ये लोग इतने गरीब, इतनी मुश्किल, इतनी मुफलसी में होते हुए भी अभी इन्होंने दिन भर काम किया है और अभी ये खुशी से नाच रहे थे और सो गए। अगले दिन उन्होंने अपने डॉक्टरों से बात की कि ऐसा क्यों है, आखिर जो खुशी, जो मसर्रत उन्हें हासिल है मुझे क्यों नहीं है। तो उनके डॉक्टर ने सलाह दी कि ये सिचुएशन जो है वो इस वजह से है कि आप एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा शिकार हैं और इसी वजह से आपके जीवन में ये दुख और तकलीफ होती जा रही है। आप अनिश्चितता के शिकार हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा। और उनका क्या है, उन्होंने आज के दिन के बारे में बस सोचा। आज रोटी मिल गई है, उन्होंने उत्सव मनाया, खाया, खुशी से डांस किया और थक कर सो गए। आप ऐसा नहीं कर पाते, आप आज में रहते ही नहीं हैं। आप तो लगातार सोचते रहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी और पैसा है, और पैसा, और पैसा कैसे बनाया जाए। और अगर आप इसी फितरत के शिकार रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप इस दुनिया से दूर हो जाएंगे। तब जॉन ने क्या किया, जॉन ने इसके बारे में गहराई से सोचा। वो जॉन जिनके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई अच्छा सा सौदा करते थे वो, जहाँ उन्हें मुनाफा दिखाई देता था या मुनाफा होता था, तो अपने हेड को फर्श पर फेंक देते थे और डांस करने लगते थे, इतनी खुशी हासिल होती थी। और जब जरा सा कोई नुकसान की खबर आई, कोई मुश्किल आई, तो वो बिस्तर पकड़ लेते थे। ऐसे जॉन ने क्या सोचा, ऐसे जॉन ने सोचा कि जिस चीज का बहुत ज्यादा डर है हम वही क्यों ना करें। डर था कि संपत्ति कहीं चली नहीं जाएगी, तो जॉन ने सोचा कि अब इस संपत्ति को थोड़ा लोगों में बांटना चाहिए। हमने जो इस दुनिया से बहुत सारा कमाया है, जो लिया है, अब इसे दुनिया को भी देना चाहिए। स्थिति इतनी बुरी थी और जॉन की रिपोर्टेशन इतनी खराब थी कि जब वो चर्च में दान देना चाहते थे तो बहुत सारे चर्चों ने यह घोषणा कर दी कि इनका पैसा खून से सना हुआ है, इसे कोई दान के रूप में मत ले। जॉन से उस समय उनकी जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी उस पर मोनोपोली बनाने का आरोप था और लगभग सभी लोग, ज्यादातर लोग उनसे नफरत करते थे। जॉन ने एक बार कहा था कि अगर आप मुझे मनमानी करने दें तो आप मुझे गाली भी दे सकते हैं और मुझे जूते भी लगा सकते हैं।
उस जॉन ने एक बार फिर कहा कि मैं भी लोगों का प्यार पाना चाहता हूं, मैं भी लोगों का सम्मान पाना चाहता हूं। और जॉन ने तब वो चीजें शुरू की जो किसी ने सोची नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे कॉलेज को चुना जहां बड़ा डिस्प्यूट था और लगता था कि वो कॉलेज बंद हो जाएगा। लाखों डॉलर उन्होंने वहां दान किए और उसे हम आज शिकागो यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उसमें सारा साउथ अमेरिका हुक वर्म का शिकार था और हजारों लोग रोज मर रहे थे। जो डॉक्टर उसके प्रभारी थे उन्होंने एक अपील जाहिर की कि क्या कोई है जो हर मरीज को, जो हुक वर्म के हर मरीज को क्या कोई 50 सेंट दे सकता है, क्या कोई इतना बड़ा दानी है। और जॉन ने उसे दे दिया। जॉन ने एक फाउंडेशन बनाया जिसे रॉकफेलर फाउंडेशन कहते हैं। और आज आप जिस पेंसिलिन की वजह से लाखों जानें बची हैं और जिस मेनिनजाइटिस की बीमारी के लिए जो दवाएं खोजी गई हैं उसमें रॉकफेलर फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। जॉन पर एक बड़ा मुकदमा भी चला गया और उन पर मोनोपोली का आरोप था। उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ा और उनकी कंपनी को 27 टुकड़ों में बांट दिया गया। इस हार के बाद जब उनके वकील ने उन्हें फ़ोन किया कि जॉन मुझे दुख है कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम इस बात की चिंता न करो और ये जो हुआ सो हुआ, मैं आज की रात भी आराम से सोऊंगा। तो जॉन डी रॉकफेलर, जिन्हें ऐसा लगता था कि वो 55-56 साल की उम्र में ही इस दुनिया से प्रवास कर जाएंगे, वो 98 की उम्र तक जिंदा रहे। और शायद इसलिए कि जिस चीज़ का डर था, जो चिंता थी उन्हें कि उनका सब साम्राज्य डूब नहीं जाएगा, उसमें लोगों की हिस्सेदारी तय की उन्होंने, उसमें से बांटना शुरू किया। तो जॉन डी को यह डर था कि जो कुछ उनके पास है वो कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं छीन ना लिया जाए। पर हम सब बहुत सारे ऐसे लोगों की चिंताएं रहती है कि हम जॉन डी कैसे बन जाएं, हमें वो सब चीज़ें कैसे मिलें जो जॉन डी को मिली थी। तो वो दोनों पहलू हमारे साथ हैं। जॉन डी बनकर भी आप चिंतित हैं और आपके पास जब कुछ नहीं है तब भी वो सब पाने के लिए आप चिंतित हैं।